अगर आपकी मारुति ईको चलते चलते एक्सीलेटर छोड़ने पर अचानक बंद हो जाती है तो आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये पर्दा जो है ना ये ख़राब हो जाता है, ये इस तरीके से फूल जाता है, ये फूल गया है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक्सीलेटर अगर पैर रख के चलाते रहो तो अच्छा पिकअप भी दे रही थी गाड़ी और पूरी स्पीड में भी चलती थी, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम थी, जैसे ही एक्सीलेटर से आप पैर हटाएंगे तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये इसका नया पर्दा है, जो कि ये देखो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें दो क्वालिटी आती है, ये थोड़ा हार्ड वाला है और ये भी कंपनी यूनिटेक्स ही है, लेकिन ये थोड़ा नरम होता है, तो ये नरम वाला जल्दी से फूल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये टाइट वाला लेना है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसमें अंदर ये धागा होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा टाइट होता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये वाला थोड़ा नरम होता है, धागा तो इसमें भी है, लेकिन इसका रबड़ बहुत मुलायम है, इस वजह से ये जल्दी फूल जाता है और चटक भी जाता है इस तरीके से। इस पर पहली सर्विस में ये इसका हाल हो गया है, पिछली बार इसमें नया डाला था। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम है तो आपको ये पल्ले चेंज करवा लेने हैं और इस किट की सफाई कर देनी है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आइए इसको पल्ले, इसको क्लीन करने के बाद इसको पल्ले नए लगा के सेट करेंगे, सेट करने के बाद गाड़ी में लगा के फिर चेक करेंगे, आपको बताएंगे फिर बंद हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, वेपोलाइजर पर्दा डालने के बाद अब गाड़ी बिल्कुल ओके स्टार्ट हो रही है और एक्सीलेटर पे पैर मत रखो तब भी ये चलती रहती है। पहले इसमें ये प्रॉब्लम हो गया था कि जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ोगे तो तुरंत गाड़ी बंद हो जा रही थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आइए गाड़ी को करते हैं चेक। तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, तो फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में एक्सीलेटर पर पैर रखा है तो अच्छा एक्सीलेटर बढ़ रहा है, पिकअप भी ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैर हटा दो तब भी ये स्टार्ट हो रही है गाड़ी। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आइए फिर से चेक करते हैं। फिर से गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, गैस पर लगी हुई है, इधर पेट्रोल, पूरी तरीके से गैस पर इसकी स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम है तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है, गैस किट के पल्ले चेंज करवा देने हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेपोलाइजर अच्छी तरीके से क्लीन करवा देना है, मतलब साफ़ करवा देना है, और दोबारा फिट करके लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा माइलेज गाड़ी देगी और सही माइलेज सेट करवा दें। ये वेपोलाइजर वाली गाड़ी ईको जो है ना, ये आराम से 280 और ज़्यादा दूर हाईवे पर चलते हैं तो 300 का माइलेज ये निकाल देती है। और जो ये सुखवेंसन किट ऑटोमेटिक जो होती है उसका माइलेज थोड़ा कम होता है, लेकिन उसमें पटाखे अटाके छोड़ने का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें ये आराम रहता है, लेकिन माइलेज इसका ज़्यादा है वेपोलाइजर का। तो आइए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
गाड़ी को करते हैं बंद।